अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। मैं इस वक्त जा रहा हूँ लड्डी कोतल, नहीं इस वक्त मैं टायर वाला चौरंगी से फेडरल बी एरिया में दाखिल हो गया हूँ। और फेडरल बी एरिया का जो ये ब्लॉक है, मेरा ख्याल है कि शायद ये ब्लॉक नंबर 10 है, मैं कन्फर्म कर देता हूँ, ब्लॉक 10 है। और ये ब्लॉक 10 जो है ना, ख़ास तौर पे मशहूर जो है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये शादाब मस्जिद है, ये बड़ी मशहूर है, यहाँ पे उल्टे हाथ पे जो शादाब मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये मशहूर है। और यहाँ सीधे हाथ पे शादाब मिल्क सेंटर है, जिसके बारे में मशहूर है कि ये दूध जो है खालिस होता है यहाँ पे, वल्ला बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा रश होता है पब्लिक का। एक तो ये शादाब जो मस्जिद है, शादाब ग्राउंड, शादाब मस्जिद ही बड़ी मशहूर है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर एक है, मेरा ख्याल है मरकज़ खेलो सकाफत यहाँ बना हुआ था, अब पता नहीं यहाँ पर है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, नर्सरी वगैरह बनी गई। अच्छा खैर, ये यहाँ पर एक दारुल उलूम भी है, ये दारुल उलूम है सीधे हाथ पे। इस्लामिया अनवारुल उलूम के नाम से है। और उल्टे हाथ पे अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ से ये मैं टर्न करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो मशहूर जगह है वो ये है मियादाद का घर। तो जावेद मियादाद जो है उसका घर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से रोड से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको गली बता देता हूँ कि इस तरफ जावेद मियादाद का घर है। मेरा ख्याल आजकल तो रहता नहीं होगा यहाँ पर। ये जो गलियाँ हैं ना, इन गलियों में मियादाद स्ट्रीट के नाम से यहाँ पर एक ये गली में जाते हैं ना, यहाँ पर मियादाद का घर है। तो ये जो सड़क है ये सीधी गुलबर्ग चौरंगी पे ख़त्म हो रही है। ये भी मैं जा रहा हूँ गुलबर्ग चौरंगी। मेरे ख्याल एक ब्लॉक 11 में हम लोग आ गए हैं, 11-12 में ब्लॉक 11 जो है ना उसमें आ गए हम लोग। ये 13 ब्लॉक नंबर 13। गाड़ी में स्लो चला रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना देख सकें। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर हम लोग जाएंगे ज़बरदस्त चीज़ क्या है यहाँ पर, बड़ी एक तो समोसों की और रोल की जो है शॉप है, दूसरा लस्सी जो है ना यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, वो हम कभी कभी कॉलेज के ज़माने में लिया करते थे, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये राइट साइड पे ये नज़र आ रहा है पेप्सी का, ये है लस्सी की दुकान बहुत अच्छी। और ये लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये जहाँ बाइक्स वाला खड़ी है, ये बॉम्बे निम्को, ये बॉम्बे निम्को, यहाँ पर समोसे वगैरह जो है ना रोल बहुत अच्छे मिलते हैं।
ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इस वक्त ये गुलबर्ग चौरंगी तक पहुँच गए। तो थोड़ा सा हम आगे आपको दिखा देते हैं, ये जो एंड है फेडरल बीजिया का वो हम दिखाते हैं, और उसके बाद हम दाखिल जाएंगे नॉर्थ नरोवाल में। अच्छा, ये सड़क जो है वो बनी है अभी नहीं, ठीक है, और दूसरे साइड वाली सड़क अभी बन रही है, तो इसीलिए ये ट्रैफिक जो है ना टू वे आ रहा है, आना जाने दोनों तरफ आ रहा है। अच्छा, ये सड़क बनने के बाद ही चंद महीनों में ख़त्म हो गई थी, जो कराची में शदीद बारिशें हुई थी और बारिशों में जो है ना ये सड़क तकरीबन जो है ना बह गई थी। तो एक तो हमारा नाकस मटेरियल होता है, प्रॉपर काम नहीं होता, सड़क बन जाती है लेकिन उसका स्लोप नहीं रखा जाता जिसकी वजह से सड़क बर्बाद हो जाती है। खैर, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने क्रॉस किया, अभी सीधे हाथ पे जो है ना कैफे प्याला है, सीधे हाथ पे थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, ये नज़र आया शायद आपको कैफे प्याला। और यहाँ से हम अब हम दाखिल हो गए नॉर्थ नाजमाबाद में दोबारा। ये कहलाती है पीपल्स सुरंग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एंड करूँ सखी हसन चौरंगी पे, ताकि आप लोग ये पूरा ये वाली सड़क भी देख लें। अब ये मैं दाखिल हो गया नॉर्थ अहमदाबाद की जो सड़क है डीसी ऑफिस वाली, उस पर मैं दाखिल हो गया हूँ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे लाइट्स वगैरह फुल लगे हैं, और ये भी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। ये हमने आपको एक सफ़र कराया छोटा सा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को जो लोग बाहर रहते हैं उनको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, ताकि कुछ हमें भी तो फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।